पहले मैं बोर्ड मेंबर और उसके बाद मैं वाइस चेयरमैन बना। पूरे देश में सबसे यंगेस्ट वाइस चेयरमैन के तौर पे मैंने मेरा दायित्व निभाया। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव 2024 के लोकसभा वडोदरा के प्रत्याशी के तौर पर पार्टी ने मेरा नाम घोषित किया। माननीय वडाप्रधान श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया था, तब गुजराती फोक एंथम क्लिनलीनेस के ऊपर मैंने लिखा था और उसको लॉन्च किया था तब के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने, और वो फोक एंथम स्वच्छता नो सनेड़ो। नमस्ते, केम छो? मेरा नाम डॉक्टर हेमांग जोशी है। मैं अभी बड़ौदा से हूँ और मैं वडोदरा लोकसभा का सांसद के तौर पे अभी मेरा दायित्व है और मैं नवोदया का एल्यूमिनाई हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय पोरबंदर से मेरा एजुकेशन खत्म किया। साथ ही मैं आप सबको और आप सबके माध्यम से नवोदयन स्टॉक, ये जो प्लेटफॉर्म बना है, उनके फाउंडर्स राज और पीवीएस राजपूत और उनकी पूरी टीम, उनको मैं बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर एक नवोदयन अपनी जर्नी को शेयर करता है और उनकी जर्नी को सुनकर दूसरे सारे जो बडिंग टैलेंट्स है, जो यंग ब्रिगेड है, वो भी इंस्पायर होती है। और ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जहाँ पे सभी लोगों को अपने द्वारा क्या विशिष्ट हो रहा है वह चीज़ शेयर करने को उनको एक मौका मिलता है। इतने ये जो टेक्नोलॉजी का जो युग है, सोशल मीडिया का जो युग है, उसमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्लेटफॉर्म ऐसा होगा जो डेडिकेटेडली नवोदयंस के लिए एक बनाया गया है। तो मैं ये प्लेटफॉर्म के जो क्रिएटर्स हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आप सबसे अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। धन्यवाद। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में मुकाम आता है। खुश नसीब होते हैं लोग जिनका लहू इस देश के काम आता है, जिनका लहू इस देश के काम आता है। और अभी मैं असिस्टेंट कमांडर पद पर सीआरपीएफ में कार्यरत हूँ। मैं छोटे से गांव से हूँ और वहाँ शिक्षा के प्रति इतना एक्सपोजर नहीं था। हमारे देश में नवोदय ऐसी बेजोड़ संस्था है जो जाति, धर्म, भाषा, प्रांत से परे सबको एक धागे में पिरोए रखता है। चाहे कश्मीर की वादियाँ हो, उत्तर पूर्वी भारत में आसाम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड हो, राजस्थान का रेगिस्तान हो या दक्षिण भारत हो, हर जगह हर क्षेत्र में नवोदय ने अपनी पहचान बनाई। एक सेवा भाव फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी, एक हमें नवोदय ने दिया है तो नवोदय के प्रति हमारा कुछ उत्तरदायित्व है, हमारी कुछ जिम्मेदारी है। रग रग में बसा कुछ इस तरह वो मुझ में गुनगुनाता वो संगीत है, वो आदत है कभी न छूटने वाली, कि धड़कता आज भी मुझे वो नवोदय है, धड़कता आज भी मुझ में वो नवोदय। वाइल कमिंग फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास फैमिली, रूरल बैकग्राउंड, हम एक छोटे परिवार, एक छोटे गांव से नवोदय में आते हैं। अगर आपको सस्टेन करना है तो मुझे लगता है कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, आपको बहुत हार्डवर्क करना होगा। जब टूटने लगे हौसले तो बस याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में अपनी मंजिल, ढूंढ लेना अंधेरों में अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। लेकिन हाँ, नवोदय के रूप में ऐसी रोशनी हमारे देश के ग्रामीण परिवार से आए लाखों बच्चों को मिली, जिससे उनका जीवन प्रकाशित हुआ और यही नवोदय की कामयाबी है। जय हिंद मेरे नवोदय के प्यारे भाइयों बहनों। मैं डॉक्टर चेतन चलोटकर, हमारे देश के पहले जवाहर नवोदय विद्यालय अमरावती महाराष्ट्र का छात्र रहा हूँ। मेरी बैच 2003 पास आउट और अभी मैं असिस्टेंट कमांडर पद पर सीआरपीएफ में कार्यरत हूँ। मैं अमरावती महाराष्ट्र से हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा गुरुकुंज आश्रम मोजरी मेरे गाँव वहां से हुई। Recently, I secured 2 bronze medal in Asian Kickboxing Championship. I'm an international athlete in kickboxing. I'm a first female fighter from Gujarat, represented India at international level 3 times. मैं बहुत एक छोटे गांव से belong करती हूँ और मैं मेरे स्कूल के गांव की पहली लड़की थी जो जिसने नवोदय में एडमिशन लिया। हमारे फैमिली में मेरे फादर ओनली पर्सन अर्निंग थे। कुछ टाइम के बाद फादर जहाँ पे जॉब करते थे वो कंपनी टोटली शट डाउन हो गई थी। उस टाइम बहुत सारे फैमिली में और आसपास के नेबर ने काफी मॉम डैड को बोला कि आप इतना खर्चा लड़की पे मत करो, क्योंकि वो एक टाइम पे शादी करके जाने वाली है। कल को कोई बोले कि वो मनीषा वाला कौन है, तो
तो लोग आपको गूगल कर पाए। नमस्ते, माय नेम इज मनीषा प्राचीबेन जगदीश भाई वाला। आई एम एन इंटरनेशनल एथलीट इन किकबॉक्सिंग। आई एम अ फर्स्ट फीमेल फाइटर फ्रॉम गुजरात, प्रेजेंटेड इंडिया एट इंटरनेशनल लेवल 3 times, एंड मोरेवर आई एम फ्रॉम जेएनवी कोऑर्डिनेट गुजरात, बैच 2010। आप लोगों को जो है न्याय दिला सकते हैं, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे आप करवा सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी कैसे ला सकते हैं। मैं काफी सीनियर तरीके से फीवर से ग्रस्त हो जाता हूँ और बाद में पता चलता है कि मैनिंजाइटिस है और मैं लगातार मैथ्स में जो है, जब प्री बोर्ड एक नेक्स्ट दिया मैंने, जब आया तो फेल हो गया मैथ्स में। मेरे हाउस मास्टर एक सर जो कि अभी है पास में प्रिंसिपल रहे हैं कासगंज विद्यालय, तो एक फादरली फिगर की तरह वो मेरे लिए वर्क आए और मैं उनका जिंदगी पर शुक्रगुजार रहूँगा कि मैम अगर मैं मुझे ये बोल दिए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा ही। मेरा सपना था कि मैं फिजिक्स में या फिजिसिस्ट बनूँ या कोई साइंटिस्ट बनूँ, तो फिर मैंने एम फिल के लिए दिया, मगर JNU में मेरा नहीं हो पाया, तो इंटरव्यू में मैं रह गया। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पीयूष कौर है, मैं जवान मध्य हरिद्वार 2006 से पास आउट हूँ और वर्तमान में मैं गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश में PCS ऑफिसर हूँ और अलीगढ़ में पोस्टेड। क्या एग्जाम पैटर्न है, प्रीलिम्स में कितने पेपर होने हैं, मेंस में कितने होने हैं, किस पेपर में कितने मिनिमम मार्क्स की जरूरत होती है, कौन सा मेरिट, किस पेपर के आधार पर मेरिट बनती है, कौन सा केवल क्वालिफाइंग है। सबसे पहले आप एग्जाम पैटर्न के बारे में जानिए, सिलेबस जानिए, विशेषज्ञ हैं और टीचर भी बताते हैं कि अगर निबंध को एक पैराग्राफ फॉर्म में लिखा जाए तो अच्छा रहे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम माधव उपाध्याय है, मेरा UPPCS 2023 में 10वीं रैंक के साथ SDM के पद पर चयन हुआ है। तो अगर मेरा जैसा आदमी जो इस छोटे से कस्बे से निकल के एक इतने ऊंचे पद पे पहुंच सकता है तो आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है कि वो इतनी महंगी फीस दे सके, लेकिन आपके माँ बाप आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। मेरे घर में मैं एक तरह से पैम्पर्ड चाइल्ड था जिसने अपना काम कभी खुद नहीं किया। मेरे सभी नवोदय के भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रोहित गोयल है और मैं JNV पैगांव से पढ़ा हुआ हूं जो कि मथुरा में है। मैं 91 बैच का हूं और मैं डिप्टी CMO के पद पे जिला अलीगढ़ में तैनात हूं। साथ ही हेलो नवोदय स्टॉक, आपको मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के बहाने मुझे अपने नवोदय के सभी भाई बहनों से अपने जीवन के बारे में बताने का मौका मिला, अगर वो इससे प्रेरित होंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा कि मेरे लाइफ लेसंस किसी के काम आए। प्रारंभिक शिक्षा जो है एक गांव है बाजना जो कि मथुरा में है वहां पर हुई, मेरे पिताजी एक सरकारी डॉक्टर थे। एनी थ्योरम, एनी फॉर्मूला, यू राइट इट डाउन, मेमोराइज इट 5 times, इट विल बी क्लियर टू योर माइंड। यू शुड क्लियर योर एम बाय 8th or 9th क्लास कि आई वांट टू गो इन दैट फील्ड। 8th or 9th से हमें उस सब्जेक्ट की तरफ इंक्लिनेशन थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा मीन्स आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बुक्स पढ़नी है, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नेट से देखना है, आपको थोड़ा, एवरी पर्सन इज डिफरेंट, एवरी पर्सन मेंटल स्टेटस इज डिफरेंट, द मेमोरी पावर इज डिफरेंट। एज अ डॉक्टर, न्यूट्रिशन, स्पेशली गर्ल्स, कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी, पुअर न्यूट्रिशन, बिकॉज एनीमिया इज लीडिंग डिसीज इन इंडिया। 30% to 40% फीमेल, इंडियन फीमेल्स आर हैविंग पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। नमस्कार, मैं डॉक्टर जया शर्मा, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, रेजिडेंट ऑफ अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, इंडिया। मैं एक नवोदयन हूँ और मेरा बैच 1992 था, 92 to 99 मेरी नवोदय में जर्नी रही है। जालना में एज ए साइंटिस्ट ज्वाइन करने के पहले
मेरा सिलेक्शन यूपीएससी सीनियर वेटनरी ऑफिसर में हो गया था। आज मैं वैज्ञानिक हूँ, लेकिन अगर मैं नवोदय नहीं आता तो क्या होता, मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर मेरा इंट्रेंस नवोदय में नहीं होता तो शायद मैं उसी गांव में मजदूरी या फिर खेती कर रहा होता। मैं गांव में रहता था और सही कहूं तो मैं ABCD भी नहीं जानता था उस समय। अपने आप को कनेक्ट कर पाया तो पहली बार मेरे इंग्लिश में 100 में 93 और मैथ्स में 100 में 100 आए। वहां से निकल के मेडिकल की तैयारी के लिए पटना आ गए। वहां से रियल लाइफ शुरू हुआ, स्ट्रगल शुरू हुआ और फिर पता चला कि हम लोग किस जन्नत में थे। अगर साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन की बात करें तो मैंने अपने टीम के साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में एक नए वायरस का इंडिया में पहली बार खोज किया, जिसका नाम है टायोमैन वायरस। हम लोग इबोला निपा जैसे वायरस को हैंडल करते हैं। 20 रिसर्च आर्टिकल्स मैंने पब्लिश किए हैं। नवोदय ने हम लोगों को एक ऐसा मुकाम दिया है, एक ऐसी जिंदगी जी है जहां पर हमें हार मानने के लिए नहीं सिखाया जाता। नमस्कार भाई और बहनों, मैं डॉक्टर विमल कुमार, अभी साइंटिस्ट के रूप में मैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी एंड अदर माइक्रोबैक्टीरियल डिजीजेस में काम कर रहा हूं, जो कि आगरा में स्थित है। डर को डर लगना चाहिए आपसे। आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैंने ऑलरेडी रैंक 1, 2, 4, 18, 57 ऐसे बहुत सारे जोश, जिगर, जज्बा हमेशा यूनिफॉर्म के लिए धड़कता। मेरे को अगर कोई कविता भी याद थी तो अरे पाकिस्तानी हूं तुमसे नहीं हो पाएगा। तब तब मैंने बताया है उस हर एक ऑब्स्टेकल को, उस हर एक चैलेंज को कि इसका ड्रीम, डिटर्मिनेशन, मिशन, विजन सिर्फ एक चीज थी, दैट वाज यूनिफॉर्म। बस एक विश कर रहा था भगवान से कि प्लीज बचा लो। मैं हार चुका था यार लिटरली कि अब कुछ हो पाएगा मेरे से। जो लड़का इंडियन एयरफोर्स में जहाज उड़ाना चाहता था, फाइटर जेट्स उड़ाना चाहता था, वो उसका मोराल, उसका मोटिवेशन इतना नीचे जा चुका है कि घर के बाहर एक घर अगर कोई मिला तो वो नवोदय विद्यालय ही था। जयंत, मेरा नाम अभिषेक कुमार झा है और मैं JNV नवादा का स्टूडेंट हूँ। 2015 में मैंने 12th की JNV नवादा से, और आज 2023 इस 8 सालों में जो स्ट्रगल किया, जो भी हासिल किया, जो भी अचीवमेंट मिली, इसमें बहुत बड़ा श्रेय JNV नवादा को जाता है और नवादा JNV पूरी कम्युनिटी को जाता है। सबसे कम उम्र में अपनी जॉब को पा लिया। 22 साल की लगभग उम्र में मैं विजया बैंक में जब प्रोबेशनरी ऑफिसर सिलेक्ट हो गया था, मैं अपने पूरे बैच में सबसे उम्र में छोटा था। इस चीज को छोड़ दें कि आपकी ज्यादातर लोग जिन्हें आप पसंद करते थे वो किधर जा रहे हैं, जब आप कुछ चुनाव कर रहे हैं खासतौर पे करियर के इनिशियल फेज में, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय का जो भी पूरा स्ट्रक्चर चलता है वो पब्लिक फाइनेंस से चलता है, वो एज अ नवोदय हमारे ऊपर देश का दूसरों से ज्यादा ऋण भी है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शिव मनोहर सिंह बौद्ध है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय फिरोजाबाद 2003 बैच का स्टूडेंट हूं और वर्तमान में बैंक ऑफ बड़ौदा आगरा कैंट शाखा में वरिष्ठ शाखा प्रबंधक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। इट्स लाइक वेरी पैथेटिक लाइफ आई कैन से, यू नो, इट्स लाइक our house used to run like, you know, on daily basis. Then that moment I was like thinking my financial conditions and my situations and reality. Financial situation, reality and my present situation. When I've entered into the JNV, the whole scenario has changed. If you ask me, Navodaya is a place for me, I can say literally again I'm saying it's a heaven for me. If you're gonna guide them, if you're gonna mentor them, you can make literally some miracles out of this brain. And I was a topper, one of the first 5 people. I was the topper in that. Okay, I have to be unique. It may be if I'm playing game, I have to be unique. If I'm reading, and at the same time, for all my bread and butter, I started giving tuitions also. Graphology is a skill. It's a weapon in a scientific way of understanding one's thought process from the handwriting and signature. Develop this positive attitude. This positive attitude will drive you. Hello everyone and
दिस इज बोल्लमपल्ली सत्यप्रकाश फ्रॉम 2011 बैच ऑफ जेएनवी चोप्पदंडी करीमनगर इन तेलंगाना एंड आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर टर्न आउट टू बी एन एक्सपर्ट ग्राफोलॉजिस्ट सिग्नेचर एनालिस्ट एंड मोटिवेशनल स्पीकर माय गोल एंड माय पैशन इज ऑल अबाउट वर्किंग विद द यूथ ऑफ इंडिया एंड यंग माइंड्स ऑफ इंडिया आई वॉन्ट टू ब्रिंग द बेस्ट पॉलिसी मेकर्स बेस्ट IAS, बेस्ट IPS, बेस्ट डॉक्टर वॉट एवर द प्रोफेशन आई वॉन्ट टू फ्रेम आई वॉन्ट टू मेंटर आई वॉन्ट टू गाइड सच ए वे दैट आई वॉन्ट टू ब्रिंग द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ यंग माइंड्स. तो एक तो ये मोटिवेशन था हमारे लिए कि भाई नौकरी लग जाएगी. तो पहली बार मेरी याद में ऐसा हुआ 2007 में कि घर में दूध बेचना पड़ा. लालटेन या जो डिबरी मिट्टी के तेल के साथ केरोसिन के साथ जो जलाई जाती है उसमें पढ़ाई करने वाला वो बच्चा एक एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को संभाल रहा है. अगर आज की तारीख में हमारे फाइनेंसेस हमारे फाइनेंशियल कंडीशन कहीं ना कहीं ऐसी है कि हम बड़ी डिग्रियों के लिए पढ़ाई के लिए पैसा नहीं इकट्ठा कर पाएंगे. नमस्कार, जय हिंद. मैं पवन कुमार, डिप्टी कमांडेंट CISF. आजकल मैं औरंगाबाद एयरपोर्ट महाराष्ट्र में पोस्टेड हूं एज अ चीफ एरोड्रम सिक्योरिटी ऑफिसर. मैं जवाहर नवोदय विद्यालय फिरोजाबाद का छात्र रहा हूं. मैंने वहां पर 1999 से 2006 तक पढ़ाई की है, 6 से 12 तक. अपने लिए पढ़ रहा हूं, मैं अपनी डाउट क्लियर कर रहा हूं. अगर मेरे पे आज कोई हंसेगा कोई बात नहीं, मुझे उस प्रॉब्लम के बारे में पता तो चल जाएगा, मुझे उसका सोल्यूशन तो मिल जाएगा. कल को मैं उसी प्रॉब्लम को ठीक करूंगा तो अब मेरे ऊपर कोई नहीं हंसेगा. सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है. सक्सेस वो चीज है कि उसके लिए आपको टाइम और मेहनत आपको डिवोट करनी ही पड़ेगी. इंग्लिश बोले या हिंदी बोले कुछ भी बोले, वो नॉलेज है, अल्टीमेटली आपकी नॉलेज बोलेगी. सक्सेसफुल आदमी को सभी देखते हैं लेकिन उन्होंने एफर्ट लगाए हैं उनको बहुत कम लोग देख पाते हैं. दूसरे को चीट कर सकते हो लेकिन आप अपने आप को कभी चीट नहीं कर पाओगे. अगर आपका पैशन है कि मैंने सिविल सर्विसेज में जाना है, मैंने IPS बनना है या मैंने असिस्टेंट कमांडर बनना है, आप कुछ भी बनेंगे लेकिन उसके लिए आपको पता है कि मुझे कितनी मेहनत करनी है. अगर आप उतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे करेंगे तो आप क्या है कि दूसरे को तो आप सेटिस्फाई कर दोगे कि ऐसा था वैसा था, ये कमी होगी, मुझे बुक्स नहीं मिली या मुझे टाइम नहीं मिला, लेकिन आप अपने आप को तो एक्सक्यूज नहीं कर पाएंगे, अपने आप को तो आप बहाना नहीं बना पाओगे क्योंकि आपको पता. लेकिन फिर मुझे यही लगा कि ये भी मेरा एक स्टॉप नहीं है, मुझे सब इंस्पेक्टर नहीं रहना है. देन इन 2009 मैंने CAPF का एग्जाम दिया, बेसिकली जो असिस्टेंट कमांडेंट का होता है. एक जगह पे स्टॉप मत करिए, जो भी एक अपॉर्चुनिटी मिली भले ही वो मेरा पैशन है या नहीं है दैट डजंट मैटर, तो मैं उस अपॉर्चुनिटी को झट से ग्रैब कर लेता हूँ. अच्छी अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही हो और वो अच्छी अपॉर्चुनिटी थोड़े से दो कदम चलने पे आपको मिल जाए, लेकिन अगर आप वहीं स्टॉप कर देंगे तो वो शायद वो जो अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो आपसे स्लिप कर जाएगी. अवेयरनेस के मामले में थोड़ा सा गांव का जो माहौल होता है वो थोड़ा सा पिछड़ा हुआ होता है. जैसे कि सभी को पता हम बेसिकली सभी नवोदयंस गांव की पृष्ठभूमि से आते हैं. ये जो है एक नवोदयन स्पिरिट ही होती है कि जो आपको कंटिन्यूसली इंस्पायर करती है कि यू शुड स्टैंड अप अगेन एंड यू शुड फाइट अगेन एंड अगेन टिल द टाइम यू गेट द सक्सेस. साथियों, सभी को मेरी प्यार भरी नमस्कार. मेरा नाम संजीव कुमार रतन है, मैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूं और अभी एट प्रेजेंट मैं ITBP में डिप्टी कमांडेंट के पद पर तैनात हूं. मैं एक गांव के पृष्ठभूमि से बिलोंग करता हूं. मेरा गांव डिस्ट्रिक्ट ऊना हिमाचल प्रदेश में है. आप जाए क्या करोगे, बर्तने साफ करोगे, जूठा उठाओगे, आपकी बॉडी कभी टायर्ड नहीं होती है, आपका माइंड टायर्ड होता है. 5 साल की जर्नी थी ना, तो उसमें सीखने के बाद 7 साल पढ़ाई करने के बाद आपकी एक्सपेक्टेशन और लोगों से नहीं होती है, खुद से होती है. यू कैन डू एनीथिंग इफ यू वॉन्ट. जो पढ़ाई मैंने की है वर्ल्ड में बेस्ट है. मैंने जो चूज किया फिर मैंने टोटली डिफरेंट लाइन चूज किया था. लोग बोलते थे कि क्या करेगा आप, खाना बनाएगा, जूठा साफ करेगा, बर्तन माजेगा, अपने आप को प्रूफ करना था. नहीं, एक लाइन होती है. मेरे जो साथी लोग थे उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी मिली थी कि जहां जा रहे हो सबसे ऊपर रहना, टॉप करना,
कि जो करना है अपने से करना है। तो मैंने अपना माइंड मेकअप किया कि मुझे शेफ बनना है। सक्सेस कोई एक नाइट का जर्नी नहीं है कि हाँ मैं किया, पढ़ाई किया, बहुत अच्छे से किया, हो गया। मैंने कंटिन्यूस 70 आवर्स काम किया जब मैं वेस्टर्न चेन्नई में था। मेरा स्किल, मेरा माइंड, मेरा क्रिएटिविटी विल टेक मी, मुझे एक अच्छे लेवल पे ले जा सकता है। मैंने 60 कंट्रीज प्लस मैंने विजिट किया है। कुछ नया क्रिएट करूँ, क्योंकि मेरा मन था क्रिएट करने का, कुछ नया करने का। एम्प्लॉय भी था मैं, अब एम्प्लॉयर बन गया। हेलो, नमस्कार, मैं शेफ आसिफ सिंह चंदेल। करंटली बेसिकली मेरा बिजनेस है, दो कैफे है मेरे आगरा में, एक और ब्रांड है जो मैं लॉन्च कर रहा हूँ बेसिकली टेक शेक, जिसका एल्कलाइन वाटर एंड जस्ट लाइक कैफे कॉफी डे एंड सीसीडी की स्टारबक्स की तरह। सो होल बिजनेस है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का। जो लाइफ का सबसे बड़ा ब्रेक मिला और नवोदय विद्यालय मिर्जापुर से मैंने अपनी लाइक 6th से 12th तक पढ़ाई किया मैंने। And I'm glad to think कि मैं अपनी इस लोकैलिटी में, अपने इस पूरे एरिया में एकमात्र ऐसा BDS हूं जो कई सारे हॉस्पिटल्स में जाकर के मैक्सोफेशियल सर्जरीज और मैंडिबुलर सर्जरी करता हूं, अपनी क्लिनिक पर भी करता हूं। कभी किसी को पैसे के लिए मना नहीं किया, आप ट्रीटमेंट कराइए, कोई बात नहीं है आपके पास में। तो मेरा कर्नाटका सिटी में MBBS में हुआ और UPCPMT में BDS में हुआ। कि आज खाना अच्छा नहीं बना है, दाल अच्छी नहीं बनी है, रोटियां सूख गई हैं। कई बार जब खाना बनाने के लिए नहीं आती थी तो सिर्फ चावल को बॉयल करके ना उसमें नमक और मिर्च डाल करके हम लोग खाते। सामाजिक प्रेम करना, आपस में, दोस्तों में प्यार मोहब्बत से रहना, ये भी आपको आने वाले समय में अपने परिवार में, अपने मित्रों के साथ में प्रेम भाव पैदा करने का अवसर प्रदान करता है। हेलो मेरे प्यारे नवोदय दोस्तों, मैं डॉक्टर राज शर्मा, 2000 बैच पास आउट, JNV आगरा। मेरी जिंदगी शुरू होती है लगभग आगरा जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर एक ऐसा गांव जो UP, MP और राजस्थान तीनों के बॉर्डर पर आता था, जिसका नाम है डूणीपुरा खेड़िया। नवोदय विद्यालय वास्तव में हम जैसे गरीब बच्चों के लिए ही बनाया गया है। वेल क्वालिफाइड टीचर्स उनकी कक्षाएं लेते हैं तो मैं संसद तक नहीं पहुंच। मेरे घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, एक अपनापन, एक अटैचमेंट हो गया, मैं शिक्षक बनूंगा, मुझ पर काफी कर्ज भी है। यहाँ मेरे पढ़ने के लिए जो हर चीज अवेलेबल, बाहर की दुनिया में हर चीज के पैसे लगते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है। मैं एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहा। आप नवोदयन हो, नवोदय तक ही सीमित रह गया। मैंने दोनों एग्जाम क्वालिफाई किया। वह गिल्ट फील करेंगे, टीचर और बच्चे घुल मिल करके रहते हैं। जरूरी नहीं है कि हम हर कोई महात्मा गांधी से ही मोटिवेट हो, उठ करके सोसाइटी में कुछ अच्छा कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं सोनू कुमार, बिहार राज्य के नालंदा जिले से आता हूं। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय नालंदा का पूर्व छात्र हूं। आपका जो एक सिग्नेचर भी हो सकता है वो कितने लोगों को इम्पैक्ट कर सकता है। फेलियर को एक ऑब्स्टेकल के बजाय एक स्टेपिंग स्टोन की तरीके से लेना है। स्कूल में भी मैं फेल हुआ हूँ और UPSC और GPSC की जर्नी में भी मैं दो साल से तो मेरे फेलियर चल ही रहे थे, फिर भी मैंने परसिस्ट किया। ऑलरेडी डॉक्टर था जो एक अच्छा प्रोफेशन है, पर मुझे ऐसा लगा कि मल्टी डायमेंशनल मेरा पर्सनैलिटी है तो मैं इस फील्ड में जाऊंगा तो मैं शायद बहुत अच्छी तरह और लोगों को मैं हेल्प कर पाऊंगा। हेलो नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमन मंसूरी है। केम छो बदा, हूँ गुजराती छू अने हूँ नवोदयन पण छू। मैं गुजरात के छोटे से गांव बायड़ से बिलोंग करता हूँ और मेरी नवोदय है JNV अरवली। JNV अरवली से मैंने 2014 का पास आउट हूँ मैं। अगर नवोदय नहीं होता तो मेरा क्या होता वो मेरे को खुद नहीं पता है। कहीं क्या मजदूरी करता है। साल मेरे पापा का एक्सीडेंट भी हुआ था, ABCD तो पहली बार वही सीखी थी जाकर, उसमें वो गमा चुके थे, आर्थिक स्थिति और खराब हो। हमारे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, लालटेन और लैंप लेके हम घरों में
पढ़ते थे, नवोदय केवल एक स्कूल नहीं है, वो एक पूरी जीवन शैली सिखाता है। नवोदय एक बार आप चले जाते हैं फिर वो जीवन से आपके कभी भी नहीं वापस जाता। जीवन जीने का मौका मिला मधुर था और हमारा सोच थी नहीं कुछ, उसी भावना से उसी फाइट स्पिरिट से हर चीज में लड़ते हैं और जीतते हैं। सभी बहुत वेल क्वालिफाइड और मतलब हम एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए थे, विश्व की सबसे सफल योजना में जिसकी गिनती होती है। सबके परिवार में एक अलग ही क्रांति आ गई, बेटर कर सकते हैं जीवन में और बड़े छोटे लक्ष्य अभी से बनाकर रखें। थॉट लकी जनरेशन में नौकरी ढूंढने में निकाल देंगे, लेकिन और 10-20 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेनी है, वो मेरा बिजनेस नहीं है, वो मेरा पैशन। लोगों के अच्छे पलों को या अच्छे उनके टाइम को हम लोग मैनेज कर। अनुभव था अग्रवाल पैकर एंड मूवर में और उसने उसी 4 महीने के अनुभव के बेस पे एक पूरी कंपनी अपनी खड़ी कर ली। दोस्तों मेरा नाम नरेश कुमार शर्मा है, बिहार नवोदय विद्यालय बरेली का एलुमनी हूं और अभी दिल्ली में कंपनी चल रही है इमर्जिंग हॉलीडेज एंड ट्रेवल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि साउथ एक्स से हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, साउथ एक्सटेंशन पार्ट 1। जनवरी 2024 यहां मैं एसडीएम बना, वहां मैं एसडीएम से बढ़कर था क्योंकि अब मैं नवोदय जा रहा हूं। मिट्टी में खेलना, गांव के स्कूल में पढ़ना, मिड डे मील खाना, यही सब मेरे लिए भी आम था और यही मैं कर रहा था। घर के काम, खेतीहर समाज, पापा किसान, तो जो काम होते हैं वो काम मुझसे भी कराए जाने लगे। चोट थी ठीक है, लेकिन जो मैंने अपना लक्ष्य बनाया हुआ था वो चोट मुझे उसके नजदीक पहुंचा रही थी। मुझे समय मिल रहा था, अब मैं पढ़ पाऊंगा, पूरा टाइम था ना ऑफिस जाना है क्योंकि वहां से मेडिकल मिलेगा, छुट्टी मिल जाएगी, आराम से पूरे दिन पढ़ना है। हम नवयुग की नई आरती, नई भारती, हम स्वराज की ऋचा नवल, भारत की नवलय हो, नव सूर्योदय नव चंद्रोदय, हम ही नवोदय हों, हम ही नवोदय हों। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम माधव उपाध्याय है, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय एटा का 2014 बैच पास आउट हूं। अभी मैं लोक सेवा आयोग प्रयागराज में सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूं। यूपीपीसीएस 2023 में रैंक 10 के साथ एसडीएम के पद पर चयनित हूं। आज जहां पर मैं जिस पद पर कार्यरत हूं, उस सफलता के पीछे एक बहुत बड़ा योगदान और बहुत बड़ा हाथ नवोदय की उन एक्टिविटी, उन गतिविधियों से जो हमने सीख लगा था। मैंने 7 बार यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर, सितंबर 2016 का वो एक दिन आया जो मेरे परिवार के लिए बहुत दुखदायी। मैंने उसी समय बीकॉम सेकंड ईयर में सोचा कि मैं टीचिंग को ही अपना प्रोफेशन बनाऊं, क्योंकि बच्चों को समझाना, उन्हें पढ़ाना, उनसे बात करना मुझे बहुत तो इंटरेस्टिंग लगता था। उसी दौरान मैंने सोचा कि मैं शिक्षक बनूंगा। नमस्कार साथियों, मैं अखिलेश कुमार जवाहर नवोदय विद्यालय राय बरेली का 2010 पास आउट हूं। वर्तमान में उत्तर भारत के प्रतिष्ठित महाविद्यालय राजा बलवंत सिंह महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के पद पर कार्यरत हूं। मेरी इस सफलता की जर्नी में मेरा बहुत बड़ा योगदान हमारे विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय का है। जो एक स्पोर्ट्स पर्सन होता है ना, उसके लिए एक प्रेशर हैंडलिंग इज द बिगेस्ट थिंग। हमारे एक फौज में कहावत है कि ग्राउंड में जो पसीना बहता है जितना, वो जब युद्ध होता है वो तुम्हारा खून बचाता है। कुश्ती में एक बार ट्राई कर, तो पापा ने मुझे कुश्ती के लिए सपोर्ट किया। आप एक गांव से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई और आज आप एक गोल्ड मेडल जीते हो, तो आपके पूरे जर्नी में, आपके पूरे इस जर्नी में क्या चैलेंजेस रहे? मैं गांव से पापा के साथ आया स्टेडियम, तो वहां मुझे पता चला कि मैट भी होता है कुश्ती के लिए। हम क्या थे गांव में, पहले मिट्टी पे खेलते थे। तो बहुत सारी स्कीम गवर्नमेंट की है, लेकिन लोगों को एक्चुअली उनके बारे में पता नहीं है। और गांव के बच्चों के लिए तो गेम में अच्छे हो तो आप ऐसे नहीं सोच सकते कि इसमें करियर वाइज अपॉर्चुनिटी नहीं है। हेलो दोस्तों, आज हमें धर्मेंद्र चार के साथ, इन्होंने हाल ही में काठमांडू में हुई साउथ एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता, इसके लिए इन्हें बहुत सारी बधाई। इन्होंने देश एंड नवोदय का नाम रोशन किया। थैंक यू भैया। आप ये सक्सेस को कैसे देखते हैं? मैं सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ
हमारे खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल मिले, उसको देश का नाम रोशन करे, खिलाड़ी का यही सपना होता है। तो मुझे ये मिला है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और मैं अपने गोल्ड मेडल का श्रेय मेरे माता पिता और मेरे गुरुजन इन सबको देना चाहता हूँ। जो कुछ मुझे आज मिला है वो सब इसी की बदौलत मिला है। मेरे अंदर ये जुनून था कि हमें शुरू से जुनून था कि कुछ डॉक्टरी लाइन में कुछ करना है। MBBS में सिलेक्शन भी हुआ, समय मेरी काउंसलिंग थी, उससे दो दिन पहले ही फादर की डेथ हुई थी, काउंसलिंग में अटेंड नहीं कर पाया और वो साल मेरी खराब चली गई। अपने जब BBSC करने के लिए जब मैं फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था तो उसी साल से मैंने शाम के वक्त अपने कुछ मैं ट्यूशन पढ़ाता था। ट्यूशन पढ़ाने के बाद जो उससे मैं जो भी कुछ इनकम होती थी उससे मैं अपनी फीस, अपना रहना सहने का और सब मैं व्यवस्था करता था। ईश्वर का आशीर्वाद ऐसे रहा मेरे पास कि मैं एक भी दिन खाली ना बैठे हुए, मेरा जिस दिन थीसिस सबमिट हुई थी उसे अगले दिन ही मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर भरतपुर वेटरनरी कॉलेज में मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, अगर मैं उनकी सेवा करता हूं तो मैं मुझे उसका आशीर्वाद कहीं ना कहीं मुझे लाइफ में जरूर मिलता है। लेकिन शायद ये हो सकता है कि नवोदय की शायद यही खासियत रहती है कि वहां जब स्टूडेंट वहां एक दूसरे से मिलते हैं तो किसी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राम वासने JNV करीरा डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ नवोदय से पास आउट हूं, जो कि हरियाणा में है, और प्रेजेंट में मैं वेटरनरी सर्जन हूं, अलीगढ़ में अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूं। मैं कहूंगा कि नवोदय विद्यालय है वो एक एक्सपेरिमेंटल लैब है जहां पर विद्यार्थी है वो आगे लाइफ में कोई भी चैलेंजेस है उसको कैसे फेस करे। टीस नाम का एक इंस्टीट्यूट है मुंबई में जहां से आप मास्टर कर सकते हो। वहां पर मैंने एग्जाम भी दिया था, मैं क्वालिफाई भी हो गया था, लेकिन मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण मैंने वो छोड़ दिया। आपने नवोदय से क्या सीखा है? तो सबसे पहले जो मेरे हार्ट को टच करती है वो है एडजस्टमेंट। मेरा नाम विजय सोलंकी है, मैं गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट के वेरावल तालुका के एक छोटे से गांव आजोठा से बिलोंग्स करता हूं। मैंने 2002 से 2009 की जो पढ़ाई है वो जवाहर नवोदय विद्यालय पोरबंदर से कंप्लीट की है। मेरा परिवार एक लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता है। आपकी वाइफ या आपकी बेटी लाइफ में कुछ करना चाहती है तो उसके एक ऑलरेडी विंग्स है, उसको आप ओपन करने दीजिए और आप उसको जितना फ्लाई करना है उतना करने दीजिए। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ JK मोटर्स की, जो एक ऑटोमोबाइल फील्ड है। मेरा जो ट्रस्ट है वो अंध अपंगाई जिसको बोलते हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन में ध्यान देती हूँ एंड एनवायरमेंट में भी ध्यान देती हूँ। जितनी भी फीमेल सुन रही हूँ उनको एक ड्यू रिस्पेक्ट एंड यू नो रिक्वेस्ट से कह रही हूँ कि अपने आप को टाइम दो, अपनी फैमिली को टाइम दो। जब आप शादी करो तो वो जो दूसरी फैमिली आपकी बन रही है उसको भी टाइम दो। नमस्ते नवोदय भाई और बहनों, मैं हूँ जिया शैलेश परमार, वडोदरा गुजरात से, और मेरा नवोदय है जवाहर नवोदय विद्यालय पोरबंदर। मैं 2004 में पास आउट हूँ, अभी मैं वडोदरा में स्थायी हूँ। मेरे जो हस्बैंड है शैलेश परमार वो भी सचिवालय गुजरात गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, ये डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ JK मोटर्स की, जो एक ऑटोमोबाइल फील्ड है, और मेरा एक NGO भी चल रहा है जिसका नाम है श्री शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट। मेरा जो ट्रस्ट है वो जो अंध अपंगाई जिसको बोलते हैं, जो हैंडीकैप्ड होती है उनका है, और मैं कल्चर एजुकेशन में काम करती हूँ, हेल्थ एंड एजुकेशन में ध्यान देती हूँ एंड एनवायरमेंट में भी ध्यान देती हूँ। और हम पूरी फैमिली लगी रहते थे पूरे दिन, तो हमारा 250-300 रुपए का पूरे दिन का इतनी आमदनी होती थी। नवोदय मेरे लिए इमोशन है, एक लाइफ है, एक जिंदगी है,
जिसको शायद मैं मरते दम तक अपने से अलग नहीं कर सकता। तो जो धारणा है कि कश्मीर के लोग गलत हैं, कश्मीर के लोग ये हैं, तो सारे के सारे लोग गलत नहीं हैं। मेरी माँ उन्होंने बहुत मन दी, जब तक मुझे मेरे ऑफिस का पता नहीं मिला तब तक उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और मैं नवोदय का 2003 से 2010 का छात्र हूँ। वर्तमान में मैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर लखनऊ में कार्यरत हूँ, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में पोस्टेड हूँ। पहले मैं बोर्ड मेंबर और उसके बाद मैं वाइस चेयरमैन बना। पूरे देश में सबसे यंगेस्ट वाइस चेयरमैन के तौर पे मैंने मेरा दायित्व निभाया। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव 2024 के लोकसभा वडोदरा के प्रत्याशी के तौर पर पार्टी ने मेरा नाम घोषित किया। माननीय वडाप्रधान श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया था तब गुजराती फोक एंथम क्लिनलीनेस के ऊपर मैंने लिखा था और उसको लॉन्च किया था तब के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने, और वो फोक एंथम स्वच्छतानो सनेड़ो। नमस्ते, केम छो। मेरा नाम डॉक्टर हेमांग जोशी है, मैं अभी बड़ौदा से हूँ और मैं वडोदरा लोकसभा का सांसद के तौर पे अभी मेरा दायित्व है और मैं नवोदया का एल्यूमिनाई हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय पोरबंदर से मेरा एजुकेशन खत्म किया। साथ ही मैं आप सबको और आप सबके माध्यम से नवोदयन स्टॉक ये जो प्लेटफॉर्म बना है उनके फाउंडर्स राज और पीवीएस राजपूत और उनकी पूरी टीम, उनको मैं बधाई देना चाहूँगा क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर एक नवोदयन अपनी जर्नी को शेयर करता है और उनकी जर्नी को सुनकर दूसरे सारे जो बडिंग टैलेंट्स है, जो यंग ब्रिगेड है, वो भी इंस्पायर होती है। और ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जहाँ पे सभी लोगों को अपने द्वारा क्या विशिष्ट हो रहा है वह चीज़ शेयर करने को उनको एक मौका मिलता है। इतने ये जो टेक्नोलॉजी का जो युग है, सोशल मीडिया का जो युग है, उसमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्लेटफॉर्म ऐसा होगा जो डेडिकेटेडली नवोदयंस के लिए एक बनाया गया है। तो मैं ये प्लेटफॉर्म के जो क्रिएटर्स हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आप सबसे अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। धन्यवाद। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में मुकाम आता है। खुश नसीब होते हैं लोग जिनका लहू इस देश के काम आता है, जिनका लहू इस देश के काम आता है। और अभी मैं असिस्टेंट कमांडर पद पर सीआरपीएफ में कार्यरत हूँ। मैं छोटे से गांव से हूँ और वहाँ शिक्षा के प्रति इतना एक्सपोजर नहीं था। हमारे देश में नवोदय ऐसी एक बेजोड़ संस्था है जो जाति, धर्म, भाषा, प्रांत से परे सबको एक धागे में पिरोए रखता है। चाहे कश्मीर की वादियाँ हो, उत्तर पूर्वी भारत में आसाम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड हो, राजस्थान का रेगिस्तान हो या दक्षिण भारत हो, हर जगह हर क्षेत्र में नवोदय ने अपनी पहचान बनाई। एक सेवा भाव फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी, एक हमें नवोदय ने दिया है तो नवोदय के प्रति हमारा कुछ उत्तरदायित्व है, हमारी कुछ जिम्मेदारी। रग रग में बसा कुछ इस तरह वो मुझमें गुनगुनाता वो संगीत है, वो आदत है कभी न छूटने वाली कि धड़कता आज भी मुझे वो नवोदय है, धड़कता आज भी मुझमें वो नवोदय। वाइल कमिंग फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास फैमिली, रूरल बैकग्राउंड, हम एक छोटे परिवार, एक छोटे गांव से नवोदय में आते हैं। अगर आपको सस्टेन करना है तो मुझे लगता है कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, आपको बहुत हार्डवर्क करना होगा। जब टूटने लगे हौसले तो बस याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस याद रखना, बिना मेहनत के तत्व ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में अपनी मंजिल, ढूंढ लेना अंधेरों में अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। लेकिन हाँ, नवोदय के रूप में ऐसी रोशनी हमारे देश के ग्रामीण परिवार से आए लाखों बच्चों को मिली जिससे उनका जीवन प्रकाशित हुआ और यही नवोदय की कामयाबी है। जय हिंद मेरे नवोदय के प्यारे भाई और बहनों। मैं डॉक्टर चेतन चलोटकर, हमारे देश के पहले जवाहर विद्यालय अमरावती महाराष्ट्र का छात्र रहा हूँ। मेरी बैच 2003 पास आउट और अभी मैं असिस्टेंट कमांडर पद पर सीआरपीएफ में कार्यरत हूँ। मैं अमरावती महाराष्ट्र से हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा गुरुकुंज आश्रम मोजरी मेरे गाँव वहाँ से हुई। महिला कैदी रहती है, उनके साथ में उनके कुछ बच्चे रहते हैं, उनके लिए वहाँ पे कोई खास सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, ना खेलने करने की, ना पढ़ने की। उन लोगों को मतलब बाहर की लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता होता था।
तो वहाँ जेलर साहब से मिलके और जो है एक एनजीओ की मदद से मैंने जो है वहाँ पे एक चिल्ड्रन पार्क का उद्घाटन किया, कोरोना हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया। लगातार 1.5 महीने तक हम दोनों लोग जो है वहाँ पे हमने सेवाएं दी। 50 बेडेड हमारा अस्पताल है, 50 से 60 बेडेड जो है बेड कुछ और बढ़ाए और 50 से 60 लोगों को कोविड में एनी टाइम हमारे पास एडमिट रहते थे। हम लोगों ने उन लोगों की सेवाएं की, उन लोगों को बेस्ट ट्रीटमेंट दिया। तो आगे जाके जो शहीद परिवार है उनको हमने 2-3 प्रोग्राम में जो है एक शाम शहीदों के नाम प्रोग्राम में हमने उन लोगों को अवार्ड दिया। मैं डॉक्टर जसवंत सिंह चाहर, मैं नवोदय विद्यालय आगरा से 1993 बैच से और 2000 पास आउट हूँ। मैं करंटली जो है आगरा में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रन करता हूँ और मैं वहाँ पर पीडियाट्रिशियन हूँ। करावली जो फतेहपुर सीकरी है उसके पास में गांव पड़ता है, काफी इंटीरियर में गांव पड़ता है। आज मैं अपनी कंपनी रन कर रहा हूँ और मेरा जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ के समथिंग मेरा टर्नओवर है। यही पता नहीं था कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड होती है, कैसे होती है। एक कंपनी को यहाँ तक लेके आना और सारी सिचुएशन से जूझना वो केवल और केवल जिद से ही आ सकता है। कि यहाँ तक पहुँचने में मेरे नवोदय डॉक्टर्स का काफी हाथ रहा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम योगेंद्र कुमार है, मैं जीएनबी आगरा से पास आउट हूँ 2001 बैच। और मेरी नवोदय की जर्नी बहुत अच्छी रही। नवोदय ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और नवोदय एक ऐसा नाम है जो कि हम लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। मेरी नवोदय की जर्नी 1995 में स्टार्ट हुई। मैं एक रिमोट विलेज से बिलोंग करती हूँ जो कि जहाँ एजुकेशन का तो दूर दूर तक कोई नाम न होके अगेन लाइफ इज नॉट लाइक वन थिंग हैज बीन डन एंड इट इज ओवर एंड इट इज सिंपल एंड इट इज इजी। इट इज नॉट लाइक दैट। यू हैव टू मैनेज योर सेल्फ, योर इमोशंस, योर एजुकेशन, योर फ्रेंडशिप एंड एवरीथिंग ऑफ योर ओन। तो यू बिकम अ सेल्फ आर्मी, यू बिकम अ सिंगल मैन पर्सन दैट इज होल्डिंग एवरीथिंग। यू आर बोर्न विद द बेस्ट कैपेबिलिटीज, ओनली यू हैव टू रिकॉग्नाइज देम बिकॉज मूविंग फॉरवर्ड इज द ओनली वे टू सक्सेस। नमस्कार, मैं डॉक्टर जया शर्मा, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, रेजिडेंट ऑफ अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, इंडिया। मैं एक नवोदयन हूँ और मेरा बैच 1992 था। 1992 to 1999 मेरी नवोदय में जर्नी रही है। वहाँ स्त्री शिक्षा की बहुत कमी थी। अगर मैं नवोदय नहीं जाती तो शायद मैं इस मंच तक आज नहीं पहुंच पाती, अपनी माँ को खो चुकी थी। तो जो एक लौटी सपोर्टर थी मेरी पढ़ाई लिखाई में वो भी नहीं रही। प्राइवेट नौकरी मैंने ज्वाइन की थी। मैम है पेनिनिमा मैम, उनका आता है संदेश कि लाइफ में जो भी करो पर अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना। लोग कहते हैं कि रोटी कपड़ा मकान, पर मैं कहती हूँ रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा। आप रोटी देंगे खत्म हो जाएगा, मकान देंगे टूट जाएगा, कपड़ा देंगे फट जाएगा, पर शिक्षा शिक्षा आगे ही बढ़ती जाएगी। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की पर आंधियों में भी चराग जलते रहे। मैं नीतू कुमारी, नमस्कार। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय वैशाली बिहार की छात्रा रही हूँ। 93 to 2000 मेरा बैच था। मैंने 2000 में 12वीं की परीक्षा पास की। जुलाई 2020 में स्टेज 4 कोलोरेक्टल कैंसर डिटेक्ट होने के बाद, ये डिटेक्शन ही हम लोगों के लिए काफी शॉकिंग। एक्चुअली रेडिएशन से मेरी ओवरीज डैमेज हो गई तो आई कांट बी मदर नाउ। मैं रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी और सर्जरी थे।
आई वॉज डिक्लेयर्ड कैंसर फ्री और 6 मंथ्स के बाद एक फॉलो अप टेस्ट हुआ जिसमें फिर से मेरे दोनों लंग्स में 3 लेजन डिटेक्ट हुए। हम हर रोज सोते हैं, जागते हैं, काम पे जाते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं और फिर सो जाते हैं। लगता है ना जिंदगी कितनी आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है। जीने के लिए जब जूझना पड़े तो जिंदगी के सही मायने समझ में आते हैं। उसके बाद अगर हम सांस भी ले पा रहे हैं तो वह भी एक लग्जरी है। नमस्ते, मेरा नाम है मोनिका चौधरी और मैंने 2008 में जवाहर नवोदय विद्यालय गौतम बुद्ध नगर से 12th की है। आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें नवोदय का काफी योगदान रहा है। हम लोग प्राइमरी स्कूल में पढ़े हुए थे तो वहाँ पे ABCD भी नहीं आती थी हमें, तो जब इंग्लिश की मैडम कोई चैप्टर पढ़ाती थी तो हमारे मित्र जो एक इंग्लिश मीडियम में पढ़े थे तो हम उनसे पूछते थे कि मैडम किस जगह पढ़ा रही हैं। उसके पास बाइक है और तुम्हारे पास साइकिल है, तो अच्छा नहीं लगा, लगा कि आपके पास में भी ऐसा होना चाहिए थी। तो मैंने अपने मन ही मन सोचा कि आज ये परिस्थितियाँ हैं, कल को परिस्थितियाँ दूसरी हो सकती हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय के हर इवेंट ने हमारी हर क्षेत्र में हर कदम पे निश्चित रूप से मदद की। सभी को नमस्कार, मैं विजेंद्र सिंह, जवाहर नवोदय विद्यालय आगरा, 1997 में पास आउट हुआ और वर्तमान में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर तैनात हूँ ITBP में। तो नवोदय क्या मेरा एक पुनर्जन्म का काल था। नवोदय में जाने के बाद लगा कि दुनिया में इससे अच्छी व्यवस्था और क्या हो सकती होगी। जिसको लोग स्वर्ग कहते हैं वो मेरे लिए उसमें स्वर्ग के समान था। 330 रुपए के इकट्ठा करने के लिए कम से कम 10 लोगों से हमको इकट्ठा करने में दिक्कत हुई। नेशनल फ्रेटर्निटी की बात करता है वो, कास्ट लेस समाज की बात करता है वो, रिलीजन लेस समाज की बात करता है और वो केवल एक इंडियन की बात करता है। साथियों, मेरा नाम डॉक्टर रामचंद्र है, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय फैजाबाद 1993 पास आउट और वर्तमान में शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश में स्थित डायरेक्टर बेसिक एजुकेशन के PA के रूप में कार्य कर रहा हूं। पहली बार जब गेट देखा था नवोदय विद्यालय का तो उस पर लिखा था शिक्षास्त आइए और सेवास्त जाइए, तो बड़ा विशिष्ट लगा। यदि मैं कुछ बनता हूँ, कुछ मैं पाता हूँ तो परिवार बनेगा, परिवार कुछ कर पाएगा, ऐसा स्थिति था। पढ़ाई के लिए अपनी खेती जो है गिरवी रख दी। मुझे नासिक डिवीजन बोर्ड में हम द्वितीय स्थान लेकर पास हुए थे। नवोदय का लड़का साधु बना है ये किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। इसे कोई जॉब नहीं मिला कि साधु बन गया, क्या इसे कोई लड़की मिली नहीं कि ये ब्रह्मचारी बन गया, क्या कोई इसका दिल तोड़ दिया और बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़ी बड़ी लाखों की पैकेज की ऑफर्स हमें मिली थी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक नवोदय स्टॉक फैमिली फॉर इनवाइटिंग मी हियर टू शेयर माय स्मॉल लाइफ स्टोरी। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि आज नवोदय परिवार के साथ अपने जीवन का एक छोटा सा जो अनुभव है वो बांटने का अवसर मिला है और नवोदय टॉक्स जो टीम है उनका भी बहुत आभार कि उन्होंने हमें अपना जीवन शेयर करने के लिए बांटने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया है। तो हम जो महाराष्ट्र है उस राज्य से आते हैं और जलगांव जिले में जो गांव है पिंपल गांव हरेश्वर, वहाँ
जन्म हुआ था।